बताएंगे चित्रकूट धाम में आने के पश्चात उन्हें रामघाट मंदाकिनी आरती एवं चित्रकूट धाम का दृश्य और कैसा लगा, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ पूर्व से अच्छा स्थिति है या परिवर्तन होना चाहिए, अपना अनुभव शेयर करेंगे हम सभी के बीच। जी बताएं। जी सबसे पहले बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि चित्रकूट श्री राम की पवित्र भूमि है। यहाँ पर राम जी ने 11 वर्ष साधना किया है। ये साधना के बारे में हर लोगों को मालूम होनी चाहिए। आजकल की जो जनता है, आजकल के जो नौजवान हैं, उनको अगर हम लोग कार्यशैली बताएंगे कि किस तरीके की चित्रकूट की गहराई है, उसके साधना स्थल की कितनी महानता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के जो नौजवान हैं, अगर वो अपने सह परिवार के साथ चित्रकूट पधारे तो उन्हें ये सब अनुभूति हो सकती है जो हमें अनुभूति हो रही है। अनुभूति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आके देखना है, उसके पीछे जो राम जी की साधना है, 11 वर्ष का साधना है, उसकी गहराई को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के संस्कार, यहाँ के व्यवहार को भी जानना ज़रूरी है। यहाँ के पर्यटन विभाग से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के साथ साथ जो जनता की रुचिमात्मक चीज़ है उसको बढ़ाने के प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पर्यटन के हिसाब से लोग की आना जाना ज़्यादा होगी तो यहाँ के ऑटोमोबाइल व्यवसाय क्षेत्र में भी बहुत तरक्की का अनुभूति लोगों को होगा। ये जानने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जल स्वच्छ रहे, पर्यावरण का ध्यान देते हुए हर चीज़ की कार्यशील अच्छी तरीके से चलती रहे और जो भी हो सके अच्छी तरीके से जनता के भलाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो जो चीज़ अच्छी हो सकती है वो कार्यशील करें। धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम सिंह तोमर है, मैं पूना से आया हूँ। मैं चित्रकूट इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ की साधना शक्ति बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत रुचि है साधना स्थलों में जाने की। और साधना स्थल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आग बंद करके ध्यान लगाना है, यहाँ की परिवार जन की स्वागत भी करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु श्री राम की जन्म स्थल है, ये साधना स्थल है, इसमें सबकी कृपा बनी रहे। नमो नारायण।